नमस्कार दोस्तों, मैं शिखर प्रजापति, मोटिवेशन स्पीकर, कॉर्पोरेट ट्रेनर। दोस्तों एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे मोटिवेशन चैनल शिखर प्रजापति पर। आप सबका स्वागत विश्व जल दिवस पर, वर्ल्ड वाटर डे। हाँ फ्रेंड्स, आज 22 मार्च को हर साल इंटरनेशनल वाटर डे मनाया जाता है। हम सबकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है वाटर, पानी। दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा मौजूद है दोस्तों वो है पानी, वाटर। लेकिन दुनिया में जितना भी पानी है उस सभी पानी में बहुत कम पानी ऐसा है जो यूज किया जा सकता है। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी है लेकिन उस पानी में से बहुत कम पानी ही हम लोग यूज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो वर्ल्ड वॉर होगा, जो विश्व युद्ध होगा, अभी तक दो विश्व युद्ध हो चुके ऑलरेडी, तीसरा विश्व युद्ध जब भी होगा, वर्ल्ड वॉर जब भी होगा, मुझे लगता है उसका रीजन पानी होगा। हम सब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे पानी के कारण, क्योंकि पानी की स्केसिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। दुनिया भर में पानी कम है और उस कम पानी को भी हम लोग लगातार 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 कंटिन्यूअसली फ्रेंड्स वेस्ट करते जा रहे हैं। ये सोचने लायक बात है कि दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और हमारे शरीर में भी, हमारे ह्यूमन बॉडी में भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों वो है पानी। हमारे शरीर का मैक्सिमम पार्ट पानी है। खाने में अगर आप डाइट लेते हैं, सॉलिड डाइट लेते हैं या लिक्विड डाइट लेते हैं, अगर आप लिक्विड डाइट लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सॉलिड डाइट लेते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। हमारे शरीर में मैक्सिमम पार्ट लिक्विड्स का है, वाटर का है। पानी का इंटेक जरूर होना चाहिए, हमारे शरीर में पानी जरूर जाना चाहिए, सही क्वांटिटी में जाना चाहिए, लेकिन जाएगा तब जब होगा। सालों पहले पानी दोस्तों बिकता नहीं था। अगर कोई बोलता था कि पानी मैं बेचूंगा या पानी बिकेगा आने वाले टाइम पर तो लोग हंसते थे उस पर, लेकिन आज पानी बिक रहा है, आज हम लोग मिनरल वाटर खरीद रहे हैं। दोस्तों पानी भी बिकने लगा, एक नेचुरल रिसोर्स है वो, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फिर भी हम लोग उसको वेस्ट कर रहे हैं। सोचने लायक बात है। हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है दुनिया भर में। कहीं ड्राइंग कॉम्पिटिशंस होते हैं, कहीं रैलियां निकाल जाती हैं, कहीं वाटर कंजर्वेशन पे टॉक्स होते हैं। लगातार 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 कुछ एनजीओस, कुछ कल्चरल सोसाइटीज, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लेते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए, एक दिन के लिए वाटर सेव नहीं, साल भर और जिंदगी भर हमें वाटर कंजर्वेशन पे ध्यान देना चाहिए। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम नेग्लेक्ट कंटिन्यूअसली करते जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है नेचर, वो है प्रकृति। प्रकृति हमें वही देती है जो हम प्रकृति को देते हैं। सालों पहले बड़े पेड़ थे, बड़े जंगल थे, लेकिन हम लोग लगातार पेड़ों को काटना शुरू करा और आज तो जंगल के जंगल कट रहे हैं और उसका नुकसान क्या हो रहा है दुनिया भर में, ग्लोबल वार्मिंग का हम लोग सामना कर रहे हैं। कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं आग लग रही है, रीजन कोई और नहीं है, उस प्रकृति को नुकसान हम लोग पहुंचा रहे हैं, पानी को प्रदूषित हम लोग कर रहे हैं। आज सोचने का समय है हमारे लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, कि आने वाली जनरेशन का क्या होगा जब पानी नहीं होगा, जब सेफ वाटर उनको नसीब नहीं होगा। आज कितने सारे काम है जहां पर हम लोग लगातार कंटिन्यूअसली पानी को वेस्ट करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो आपने नल को खुला छोड़ दिया, जब तक आपका ब्रश आप कर रहे हैं तब तक वो पानी बहता रहेगा। अगर आप शेविंग कर रहे हैं तो जब तक आपकी शेविंग हो रही है तब तक वो पानी का नल लगातार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर आप पानी पी रहे हैं तो हमें से मैक्सिमम लोग जब भी पानी पीते हैं तो पूरा ग्लास भरते ऊपर तक पानी पीने के लिए, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम लोग वो पूरे ग्लास का पानी फिनिश नहीं करते। हम लोग 20%, 30%, 50%, 60% तक पानी पीते हैं और कुछ पार्ट पानी का छूट जाता है और नेक्स्ट टाइम जब हमें पानी पीना होता है उसी ग्लास में, तो हम पहले वाले पानी को निकाल देते हैं, पहले वाले पानी को फेंक देते हैं और वो पानी यूज किया जा सकता है। आज मैक्सिमम लोग आरओ सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम्स का यूज कर रहे हैं, उसमें मशीनरी जो फिट है, कुछ पानी तो डिस्टिल्ड होके प्यूरिफाई होके मिल जाता है, आप उसको निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ पानी वेस्टेज के रूप में बह जाता है। मैं बोलता हूं उस पानी को भी आप सेव कर सकते हो, उस पानी को आप अपने प्लांटेशंस में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स पानी को वेस्ट ना करें, अगर आपने आज पानी वेस्ट कर दिया तो आने वाले लाइफ में हमें पानी नसीब नहीं होगा और पानी
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हम सबकी लाइफ में, हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए। आज हम जितने भी सेलिब्रिटीज को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज्यादा सुंदर हैं, उसका रीजन भी दोस्तों पानी है, वाटर इनटेक। जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी इस एक्टिवनेस का राज क्या है, आपकी इस खूबसूरती का राज क्या है, तो यही बोलते हैं इसका एक सबसे बड़ा रीजन है पानी का कंजम्पशन, वाटर कंजम्पशन, कि हम डेली इतना पानी तो पीते ही पीते हैं। फ्रेंड्स, आपको यह भी पता होना चाहिए कि पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। हमारे शरीर में जो भी खाना हम खाते हैं, जैसे ही हम खाते हैं, हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है, हमारा जो स्टमक है, हमारा जो पेट है, उसकी मशीनरी स्टार्ट हो जाती है डाइजेशन करने में। लेकिन होता क्या है कि आप खाना खाते हो, खाना खाते ही पानी पी लेते हैं, तो आपका जो खाना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, आपकी वो मशीनरी आपके स्टमक में जो है वो प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करती है, काम करना शुरू करती है। जैसे ही वो काम करना शुरू करती है, आप पानी पी के वो मशीनरी को आप ऑफ कर देते हैं, और इस कारण इनडाइजेशन होता है, पेट की खराबी हमें होती है, कई तरह की बीमारियां हमें हो जाती हैं। इसलिए फ्रेंड्स, खाना खाने के कम से कम 30 से 45 मिनट बाद, 30 टू 45 मिनट्स बाद आप पानी इनटेक कीजिए। अगर आप सुबह एक्टिव रहना चाहते हैं, सुबह आप चाहते हैं कि आप एक्टिव रहें, तो जब आप सुबह उठते हैं तो कुछ पानी, दो ग्लास पानी, गुनगुना पानी आप जरूर पीजिए, आपका पेट साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स, पानी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। आज आप जब ट्रेवलिंग करने जाते हैं, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, तो आप वाटर जरूर कंज्यूम करते हैं, आप पानी जरूर पीते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि शायद ऐसा कुछ लोगों के साथ नहीं है, वो पानी की जगह प्रेफरेंस देते हैं कोल्ड ड्रिंक्स को, सॉफ्ट ड्रिंक्स को। आप जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत कम है, लेकिन उसको प्रमोशन में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, इसलिए हमें उसकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा पड़ती है। उस एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल को बनाने के लिए 10 बोतल पानी की जरूरत दोस्तों पड़ती है, इसलिए पानी को आप वेस्ट ना करें। कोल्ड ड्रिंक आप इसलिए खरीदते हो दोस्तों क्योंकि उसमें टेस्ट आता है, पानी की बोतल सस्ती मिलती है लेकिन उसमें आप बोलते हो कि टेस्ट नहीं आता, इसलिए आप उसको परचेज नहीं करते। लेकिन पानी एक ऐसी चीज है जो आपको प्योरीफाई करता है, जो आपके थॉट्स को प्योरीफाई करता है, जो आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है, आपको एनर्जी देता है। इसलिए फ्रेंड्स, आज ठान लीजिए, प्रण ले लीजिए, कसम ले लीजिए कि आज से आपको पानी को वेस्ट नहीं करना। कुछ छोटे छोटे इनिशियल स्टेप्स उठाकर भी आप पानी की सेविंग कर सकते हैं। आज हमें अपना व्हीकल धोना है, अपना टू व्हीलर धोना है, अपना फोर व्हीलर धोना है, अपने पेट एनिमल्स को धोना है, तो उसके लिए आप पाइप का यूज करते हैं और कितना पानी आप अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं। अगर आपके घर में शॉवर है, बाथटब है, तो आप उनको प्रेफरेंस देते हैं, आप शॉवर में नहाना पसंद करते हैं, आप बाथटब में नहाना पसंद करते हैं, आप बाल्टी के पानी से नहाना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आप शॉवर से नहा रहे, अगर आप बाथटब से नहा रहे, तो आप अगेन बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको अपना व्हीकल को साफ करना है, तो आप आधा बाल्टी पानी में भी उस व्हीकल को साफ कर सकते हैं। अपने पेट एनिमल्स को आप कम पानी में भी नहला सकते हैं। वो पानी जो आपके वाटर प्यूरिफायर से निकला है, जिसको आपको लगता है कि वेस्टेज है, उस पानी को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्लांट्स के लिए। आज देश में बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर लोग आज भी दूर गांव से लेडीज एक मटका पानी उठाकर लाती हैं, कई किलोमीटर की यात्रा करके, और उतने पानी को हम लोग, कुछ लोग जहां पे पानी ज्यादा है वो वेस्ट कर देते हैं। हमें सोचना चाहिए, कुछ लोगों के पास पानी पीने के लिए और नहीं है, और हम उस पानी को कंटिन्यूअसली वेस्ट करते चले जाते हैं। आज देश में जब भी कहीं पर बारिश होती है, पानी बहुत आता है, लेकिन होता क्या है, पानी आने के बाद पानी रोड्स पर बह जाता है, कुछ घंटों में पानी पूरा फिनिश हो जाता है, बारिश आने के बाद भी पानी फिनिश हो जाता है। लेकिन आज कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, कुछ ऐसी सिटीज हैं, कुछ ऐसी कॉलोनीज हैं, जिन्होंने इनिशियली स्टेप ले चुके हैं वो लोग, और उस पानी को वो लोग कंटिन्यूसली सेव कर रहे हैं, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू वो लोग सेव कर रहे हैं। वो पानी जो बारिश के थ्रू आया है, उसको वो कलेक्ट कर लेते हैं और साल भर उस पानी को रिसाइकिल करके यूज करते चले जा रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स, पानी को आप वेस्ट ना करें। अगर आप पानी को वेस्ट करेंगे तो फ्रेंड्स, हमारे लिए जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज मार्केट से हम लोग सामान लेने जाते हैं, तो होता क्या है, हम लोग खाली हाथ जाते हैं और सामान जो शॉपकीपर, जो दुकानदार है, वो हमें सामान दे देते हैं प्लास्टिक बैग में, प्लास्टिक पॉलिथिन में। जब हम वेजिटेबल मार्केट जाते हैं, फ्रूट्स मार्केट जाते हैं, तो हम सब्जियां लेके आते हैं, फ्रूट्स लेकर आते हैं, वो भी हम लोग पॉलिथिन में आते हैं। फ्रेंड्स, पॉलिथिन प्लास्टिक लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक का कचरा लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है, प्लास्टिक
खत्म नहीं होता दोस्तों, सालों सालों तक खत्म नहीं होता, और वो डंप हो जाता है सी में, समुद्र के अंदर जाके। लेकिन समुद्र के अंदर जाके वो जो वहां पर जीव जंतु हैं वो उसको खाते हैं और उनकी डेथ तक हो जाती है। हमें सोचना चाहिए प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। सालों पहले भी तो हमारे दादाजी हमारे नानाजी क्या यूज करते थे, जब वो घर से निकलते तो अपना कपड़े का थैला जरूर लेके निकलते थे। मैं बोलता हूं आप भी इनिशिएटिव ले सकते हैं, उस प्लास्टिक की पॉलिथिन को छोड़कर आप भी क्लोथ बैग का, कपड़े के बैग का आप यूज कर सकते हैं ताकि पॉल्यूशन ना हो। फ्रेंड्स, आज इस वाटर डे पर, इंटरनेशनल वाटर डे पर, विश्व जल दिवस पर एक प्रण लें कि पानी को वेस्ट नहीं करेंगे, पानी को बचाने की कोशिश करेंगे, खुद भी बचाएंगे और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करेंगे, वाटर कंजर्वेशन के लिए प्रेरित करेंगे। फ्रेंड्स, अगर पानी नहीं होगा तो हम नहीं होंगे, अगर हम नहीं होंगे तो देश नहीं होगा, देश नहीं होगा तो दुनिया नहीं होगी। फ्रेंड्स, इसलिए अगर दुनिया को बचाना है, अगर देश को बचाना है, अगर अपने आप को बचाना है तो पानी को बचाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जल है तो कल है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वीडियो विश्व जल दिवस पर, इंटरनेशनल वाटर डे पर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, साथ ही शेयर करें, हमारे इस मोटिवेशन चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे इसी तरह के मोटिवेशन और इंस्पिरेशनल वीडियोस लगातार 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 मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।